पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सिक्किम के खूबसूरत जगहों को देखा और उनके बारे में जाना। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड क्लियर लेक्स। विद द लास्ट 4 एपिसोड्स आई हैव कवर्ड लाचेन एंड लाचुंग फ्रॉम नॉर्थ सिक्किम, विच इज नो लेस देन हेवन, द कैपिटल सिटी ऑफ गैंगटॉक। And then we ended the series with Char Dham at Namchi and Skywalk at Pelling. Now I'll take you through some of the best cafes in Gangtok. So let's get started. The first in my list is Hotel The Crown Inn, which is located at the lower Bertuk Road in Gangtok. So here I ordered a plate of spring roll. पहले ही बता दूं कि ये होटल एकदम वेजिटेरियन होटल है एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए इधर कोई ऑप्शंस नहीं है। They offer a plate of veg spring roll with मीठी चटनी। स्प्रिंग रोल्स एकदम ही क्रिस्पी थे और उसमें भर भर के स्टफिंग्स ऐड किए गए थे। जब मैंने पहला बाइट लिया, इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड द टेस्ट एंड फ्लेवर्स, बट लेट मी टेल यू, जो वेजेस थे वो एकदम पके हुए थे और एक स्पाइसी चटपटा सा टेस्ट उस क्रिस्पी रोल्स के साथ एकदम सोने पे सुहागा था। मेरे पूरे सिक्किम के जर्नी में ये एक ही जगह ऐसा था वेर आई कुड फाइंड साउथ इंडियन खाना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वड़ा और सांबर का कॉम्बिनेशन मिल जाए और साथ ही मसाला डोसा मिल जाए और हमको क्या ही चाहिए होगा। द टेस्ट वाज सुपर्ब एंड दिस प्लेस इज अ मस्ट टू ट्राई आउट। When you go to Sikkim, momos try na karke lautna, ye momos ke saath aur apne saath bhi nainsafi jaisi hogi. So this place was recommended by mere is trip ke saathi Milan ji. So this was Shuffle Momo at MG Mark. I had ordered a plate of cheesy chicken steamed momos jo ki aapko teekhi chutney aur chicken soup ke saath mil jayega. मोमोज काफी सॉफ्ट लग रहे थे एंड उसमें चीज की तो कमी ही नहीं थी। नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट बाइट। सच बताऊं तो मैं अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी मोमोज कभी नहीं खाई थी। आई वुड रेट इट अ 20/10। The third place is Hotlicks Food and Snacks, जो कि रोपवे पॉइंट के एकदम करीब है और इधर हम लोग Hotlicks Special Non-Veg Pizza ट्राई करने वाले हैं। I have made sure कि मैं लोकल रेस्टोरेंट्स के फूड ट्राई करूं और उसमें से जो बेस्ट है वो आपको रिकमेंड करूं। पिज्जा एकदम चीज से लोडेड था, क्रस्ट बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी था एंड द टैंगी फ्लेवर ऑफ द सॉस, ओ माय गॉड, इट वाज टू गुड। Fourth place was the coffee shop at MG Mark, जहाँ पे I had to try out their sandwiches.
हमने चिकन सैंडविच ऑर्डर किया था दैट वाज सर्व्ड विद पोटैटो वेजेस एंड केचप. सैंडविचेस काफी अच्छे से ग्रिल किए गए थे एंड व्हेन आई टुक द फर्स्ट बाइट आई गॉट द टेस्ट ऑफ मिंट चटनी अनियंस चिकन एंड अ लॉट ऑफ चीज. चिकन एकदम अच्छे से स्पाइसेस के साथ कोटेड था एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट एंड वुड रेकमेंड इट टू यू गाइस. द लास्ट एंड द फाइनल प्लेस वॉज द ओएसिस कैफे जो कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास है. अगेन मिलन जी टुक मी टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड थैंक्स टू हिम क्योंकि पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे बैठ के खाने का एक अलग ही मजा होता है. यहाँ पे मुझे कुछ नॉर्थ इंडियन खाना ट्राई करना था सो आई हैड ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ आलू पराठा जिसको दही और अचार के साथ सर्व किया गया. दिस आलू पराठा वॉज मेड इन तंदूर और इससे एक अलग ही टाइप की खुशबू आ रही थी. गरम गरम आलू के पराठे को ठंडी ठंडी दही में डुबो के खाना इट फील्स लाइक हेवन. आई ऑल्सो ट्राइड इट विद आचार जिससे एक टैंगी सा टेस्ट आया. बोथ द कॉम्बिनेशंस वर सुपर्ब एंड दिस प्लेस वाज माय मोस्ट फेवरेट. तो इधर खत्म होता है हमारा सिक्किम ट्रैवल सीरीज. मैं बाकी के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मिलन जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इफ यू वॉन्ट टू प्लान अ ट्रिप टू सिक्किम यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हिम. सो या अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड यस इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चेक आउट ऑल द वीडियोस ऑन माय चैनल. आई एम श्योर यू विल लव देम. बाय बाय.